देते समय, यानी जो राष्ट्रपति के भाषण पर जो बहस चल रही थी, उस बहस का समापन करते हुए जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्हें अचानक मणिपुर की याद आई। उनको मणिपुर की याद लोकसभा में नहीं आई, यहां तक कि राष्ट्रपति को भी मणिपुर की ज्यादा याद नहीं आई, और पूरे इलेक्शन भर मणिपुर की याद प्रधानमंत्री को नहीं आई, लेकिन कल राज्यसभा में उन्होंने मणिपुर पर एक वक्तव्य दिया। और यानी 3 जुलाई 2024 को जो उन्होंने वक्तव्य दिया, उसमें पहली बार उन्होंने मणिपुर पर अपनी बात रखी, और जब बात रखी तो वो अपनी आदत से लाचार है नरेंद्र मोदी, वो कोई भी बात रखते समय वो कोशिश ये करते हैं कि कांग्रेस को नीचा दिखाया जाए। पहले हम उनका जो स्टेटमेंट है उसको हम लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर चाहते क्या है। उन्होंने जो बयान दिया नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि ये जो मणिपुर में जो सामाजिक तनाव है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। इस तरह की अशांति 1993 में भी हुई थी और ये 5 साल चली, और जो इंपॉर्टेंट बात नरेंद्र मोदी ने कही जिस पर कायदे से बहस करने की जरूरत है, वो ये कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयत्न करने चाहिए। कुछ तत्व हैं, इशारा कांग्रेस की ओर था उनका, जो मणिपुर की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं करना चाहिए। एक समय था जब मणिपुर की जनता ने उनको ठुकरा दिया था, शांति स्थापना में जो मदद करना चाहते हैं उनका स्वागत है। हम एक बात नरेंद्र मोदी से साफ कहना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप इसे समझें। ये सच है कि कांग्रेस मणिपुर में विधानसभा चुनाव हार गई थी और बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इससे भी बड़ा सच है कि ये जो इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इस बार के लोकसभा चुनाव में मणिपुर से दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, और जनता ने बुरी तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी मणिपुर नीति, उनकी देश की नीति, उनकी आर्थिक नीति सबको ठुकरा दिया, और यह साधारण घटना नहीं है। नरेंद्र मोदी नायक की तरह पेश आ रहे थे और कह रहे थे कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, वहां जनता ने उनको बुरी तरह से हरा के मैसेज दिया है कि आपकी मणिपुर नीति ठीक नहीं है। ठीक इस यही मैसेज जम्मू कश्मीर में भी जनता ने दिया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, यहां पर कश्मीर में तो नरेंद्र मोदी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, और लद्दाख में जो कैंडिडेट खड़ा किया था वो बुरी तरह से हार गया। तो मणिपुर की जनता, कश्मीर की जनता, लद्दाख की जनता एक ही मैसेज दे रही है कि हमें मोदी नहीं चाहिए और हमें बीजेपी की नीतियां नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी इस भाषा को नहीं पा पा रहे हैं अभी तक। कोई मानसिक विकृति है, विकार है, जिसकी वजह से सामने हुआ फैसला जनता का वो दिखाई नहीं देता। उन्हें विधानसभा के चुनाव के परिणाम का पता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, जो 4 जून को जिनके रिजल्ट आए, उसमें जनता ने बुरी तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हरा दिया। और रही बात राजनीति से ऊपर उठने के उठकर सोचने की, तो भाई राजनीति से ऊपर उठकर सोचने से नरेंद्र मोदी को किसने रोका है? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के बारे में सोच पा रहे हैं? मैं एक बयान उद्धृत कर रहा हूं। अभी हाल ही में मणिपुर के कुकीज, जो आदिवासी उनके की जहां आबादी ज्यादा है, उन जिलों में, उनके शहरों में कुकीज के विभिन्न संगठनों की, ट्राइबल संगठनों की रैलियां हुई हैं। उन रैलियों में एक रैली चूरा चंदनपुर में हुई, और उस चूरा चंदनपुर का जो एमएलए है बीजेपी का एमएलए, कांग्रेस का एमएलए नहीं है, नरेंद्र मोदी और उनके जो चंटू मंटू हैं, वो इस बीजेपी के एमएलए के द्वारा जो कही गई बात है उसको समझें।
और वहां से जो चूरा चंदनपुर से जो बीजेपी का एमएलए है उसने कुकीज आदिवासियों की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने एक साल से नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था लेकिन एक साल हो गया हमें अभी तक समय नहीं दिया है नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए। अगर नरेंद्र मोदी मैं ये नरेंद्र मोदी जो राज्यसभा बोल रहे थे और मैं सुन रहा था उसे चूरा चंदनपुर में बीजेपी का एमएलए कह रहा है कि और वहां और जो कुकीज की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रैलियां हुई हैं वहां सभी लोगों ने एक ही मांग की है कि नरेंद्र मोदी स्वयं मणिपुर आए और मणिपुर आके यहां के क्राइसिस को देखें अपनी आंखों से और समझें। अगर वे समाधान चाहते हैं ये बीजेपी का एमएलए कह रहा है अगर वे समाधान चाहते हैं नरेंद्र मोदी मणिपुर की समस्या का तो वो चूरा चंदनपुर आकर अपनी आंखों से देखें और लोगों से मिले। तो नरेंद्र मोदी को तो उनका पार्टी का एमएलए बुला रहा है भाई और वहां की कुकी जनता जो कि जिसके के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को खुलेआम बीजेपी के लोग मदद कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कुकीज मिलिटेंटों को खुलेआम मदद कर रही है वे खुद बुला रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि अगर आप मणिपुर में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आप कुकीज मिलिटेंट के लिए क्यों मदद कर रहे हैं और जो कुकीज रैलियां हो रही हैं उनमें बीजेपी के लोग शामिल हैं और बीजेपी के लोग उन रैलियों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन रैलियों में जो डिमांड उठ रही है वो डिमांड है कि कुकीज के लिए अलग एक केंद्र शासित क्षेत्र बनाया जाए। ये तो बिल्कुल वही पैटर्न है जो कि जम्मू कश्मीर में लागू किया गया कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर को तीन केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया यानी अब अगला नंबर मणिपुर के विभाजन का है। यह खतरा है नरेंद्र मोदी खुलकर कहे कि नहीं मणिपुर का विभाजन नहीं होगा मणिपुर राज्य के तौर पर बना रहेगा क्या दिक्कत है उनको बयान देने में वो शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं तो पहले ये गारंटी तो दे कि मणिपुर राज्य के तौर पर बना रहेगा। मणिपुर राज्य के तौर पर बना ही नहीं रहेगा जब जो कि उनके समर्थित मिलिटेंट ग्रुपों के द्वारा जो रैलियां हुई हैं पिछले सप्ताह उन रैलियों में ये बाकायदा बैनर पोस्टर हजारों की संख्या में नौजवानों ने भाग लिया एटीट्यूड क्या है नरेंद्र मोदी का पीसफुल सॉल्यूशन का नजरिया क्या है उसका नजरिया एक लक्षण बता रहा हूं मैं आपको नरेंद्र मोदी कितने सीरियस है मणिपुर को लेकर और मणिपुर की जनता और उनकी पीड़ाओं को लेकर इससे यह पता चलता है। अभी हाल ही में यानी 17-18 जून को अमित शाह ने मणिपुर की सिचुएशन पर बातचीत करने के लिए उच्च स्तरीय गृह मंत्रालय की मीटिंग बुलाई। हम पूछना चाहते हैं कि उस मीटिंग में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बुलाए गए क्या वजह है कि मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी का जो जम्मू कश्मीर में मॉडल चल रहा था उसका एक वर्जन परिष्कृत वर्जन मणिपुर में चल रहा जैसे उन्होंने 370 धारा खत्म की जम्मू कश्मीर में और उन्होंने राज्य प्रशासन के कहीं किसी भी किस्म की कोई सलाह मशवरा लेने की जरूरत ही नहीं समझी वहां विधानसभा की मदद लेने की जरूरत ही नहीं समझी ठीक वही पैटर्न मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर की समस्या के लिए उसके बारे में जानकारी के लिए उसके बारे में कोई प्रॉपर खबर लेने के लिए वे मणिपुर के प्रशासन की मदद नहीं ले रहे। जो मीटिंग बुलाई गई गृहमंत्री के द्वारा अमित शाह के द्वारा उस मीटिंग की मतलब जो डिटेल्स सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मसलन उस मीटिंग में सेना का प्रमुख और जो नए आने वाले सेनाध्यक्ष वो उसमें आईवी के डायरेक्टर उसमें राज्य से जो डीजीपी है वो और राज्य के लिए जो सुरक्षा सलाहकार बनाए गए वो
ये बुलाए गए और मीटिंग की गई, मुख्यमंत्री नहीं बुलाए गए। दिलचस्प बात यह कि वहां जो डीजीपी हैं और वहां जो सुरक्षा सलाहकार बनाए गए, वे ये जो मणिपुर में टेंशन शुरू हुई, जो हिंसा शुरू हुई, उसके बाद मई 2023 में ये लोग वहां बाहर से भेजे गए। तो मणिपुर को लेकर जो अमित शाह ने मीटिंग की दिल्ली में, उसमें सेनाध्यक्ष, नए आने वाले सेनाध्यक्ष, आईबी के डायरेक्टर, सुरक्षा सलाहकार और डीजीपी, ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जिनका के मणिपुर से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं। मणिपुर के विवाद में उलझे हुए जो लोग हैं, उन पक्षों का कोई प्रतिनिधित्व अमित शाह की मीटिंग में नहीं था, ना कुकीज थे ना माइती थे, यहां तक के मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया गया। तो भाई ये कैसा पीसफुल समाधान खोजा जा रहा है जिसमें के जो लोग झगड़े में इन्वॉल्व हैं, जो प्रशासन उस झगड़े को देख रहा है, उस प्रशासन के मुखिया को ही आप मीटिंग में न बुलाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो तो बीजेपी के नेता है। प्रधानमंत्री का अपने पार्टी के मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, यही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने के जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, जो वहां पर विभिन्न सुरक्षा संगठनों की जो कोर कमेटी थी, सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करने वाली जो कमेटी थी, उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होता था। लेकिन जो ही ये झगड़ा शुरू हुआ कुकी और माइती का, पहला काम यह किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को टपल करके हटा दिया वहां से, राज्यपाल के जरिए नोटिफाई करके। यानी नरेंद्र मोदी क्राइसिस पैदा करने में और क्राइसिस को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। अगर मुख्यमंत्री बेकार और नाकारा है तो मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री को आपने हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको डर था कि बदनामी होगी सारे देश में कि बीजेपी ने अपनी ही सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन यहां तो आप उससे भी ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बैठा हुआ है लेकिन आप उसे मीटिंग में नहीं बुलाते, मुख्यमंत्री बैठा हुआ है लेकिन वो राज्य का मुखिया नहीं है, मुख्यमंत्री के ऊपर सुरक्षा सलाहकार लाके बिठा दिया गया जो कि मुख्यमंत्री को बाईपास करके सारे सुरक्षा अरेंजमेंट देखता और उनकी निगरानी करता है। कमाल है, आपको अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं तो आप पीसफुल सॉल्यूशन मणिपुर का लाएंगे कैसे? राजनीति से उठ के तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब राजनीति कर रहे हैं तो वो राजनीति सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं कर रहे, वो बीजेपी के साथ भी कर रहे हैं और बीजेपी के जो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि मणिपुर में तकरीबन 70,000 से अधिक विभिन्न किस्म के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है, तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और वे मौके पर नियुक्त हैं, तैनात हैं। छोटा सा राज्य है लेकिन उसमें 70,000। नरेंद्र मोदी को एक साल में मौका नहीं मिला, अमित शाह को एक साल में समय नहीं मिला, राम मंदिर की इतनी सेवा कर रहे थे और मंदिर को इतना पोंछ रहे थे और धो रहे थे और बना रहे थे, तो उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो कुकीज को बुलाए, माइतीज को बुलाए, वहां जाए, वहां बैठे, लोगों से बात करें, उसका समाधान खोजें कि वायलेंस से कैसे निकला जाए। राम जी की सेवा में इतने व्यस्त थे कि कुकीज और माइतीज दोनों को भूल गए, और तो और वहां इलेक्टेड जो बीजेपी की लीडरशिप है उसे भूल गए। अब तक के डेवलपमेंट से जो दिशा निकल रही है, मैं सिर्फ अनुमान है मेरा, मैं नहीं कह सकता पक्के ढंग से, नरेंद्र मोदी मणिपुर राज्य को खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं। और कुकीज मिलिटेंट को जिस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसियां खुलेआम मदद कर रही हैं, जैसा कि माइतीस महिला संगठनों का आरोप है, जिस समय कुकीज अपनी रैलियां निकाल रहे थे कुकीज प्रभावित इलाकों में, शहरों में, उसी समय माइती महिलाएं जो खोमचे लगाती हैं, जो सड़क पर छोटी छोटी दुकान लगाती है, रेड़ी लगाती हैं, उन महिलाओं ने असंख्य संख्या में पार्टिसिपेट करके रैलियां निकाली हैं और सावधान किया है। 60,000 से अधिक तो जो शरणार्थी है वो कैंप में पड़े हुए,
नरेंद्र मोदी के पास में कोई समाधान नहीं है, उनको वापस पहुंचा। अरे ये कल तक जो लोग कहते थे ना कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरी पंडितों, अरे यहां तो मणिपुरी नागरिकों पर जुल्म हो रहा है, वो पड़े हुए हैं, खदेड़ दिए गए 60,000 से अधिक लोग, 221 से अधिक लोग मर चुके नरेंद्र मोदी के शासन में। नरेंद्र मोदी एक भी शरणार्थी को वापस सुरक्षित घर नहीं पहुंचा पाए। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ड्रामा कर रहे हैं कि राजनीति से उठकर मणिपुर की समस्या का समाधान करने के लिए जो लोग मदद करना चाहे वो आए। कहां आएंगे वो? प्रधानमंत्री निवास आएंगे? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बीजेपी के एमएलए ने, चुआ चंदनपुर के एमएलए ने समय मांगा कि हम मिलना चाहते हैं। एक साल हो गया नरेंद्र मोदी ने समय नहीं दिया। एक साल में नरेंद्र मोदी अपने बीजेपी के मणिपुर के विधायकों से और मुख्यमंत्री से नहीं मिले। पहले तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि वो राजनीति से अगर उठ गए हैं तो वो उठ के जाके अपने विधायकों से मिले, बीजेपी के विधायकों से मिले और बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिले। कांग्रेस से मिलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सही है, यह उसने प्रूव किया है कि उसके दो एमपी इस विध्वंस के दौर में जब वहां हिंसाचार चल रहा है उसमें वो जीत कर आए हैं। और नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक करारा तमाचा है, अगर यही दो बीजेपी के एमपी जीत के आते ना तो नरेंद्र मोदी खूब हल्ला कर रहे होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। आवाज का आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी एक घंटा से अधिक समय लोकसभा में बोले लेकिन उन्होंने मणिपुर पर एक वाक्य नहीं बोला। राष्ट्रपति को फुर्सत नहीं थी कि मणिपुर को वो बोले, तो राष्ट्रपति मणिपुर की समस्या में बोलेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी बोलेंगे नहीं। और जब बोलेंगे तो कहेंगे राजनीति से ऊपर उठ जाओ, हम कह रहे हैं राजनीति से ऊपर उठ के खाली बीजेपी की राजनीति पर आ जाओ, बीजेपी के विधायकों और मुख्यमंत्री से मिलो और उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं। मणिपुर जाओ, राम जी ने बुलाया मणिपुर आओ, राम जी मणिपुर चले गए। नरेंद्र मोदी को एक चीज सीखनी चाहिए कि भगवान वही होते हैं जहां विध्वंस हो रहा होता है। भगवान अपनी आंखों से देखते हैं कि जिसको हमने सत्ता दी है वो किस तरह से निकम्मा है। भगवान अपनी आंखों से देख रहे हैं मणिपुर के विध्वंस को। बीजेपी के तो एमएलए और मुख्यमंत्री तो राम भक्त है ना, तो राम भक्तों से नरेंद्र मोदी जाके मणिपुर में मिलना क्यों नहीं चाहते? उन राम भक्तों को हवाई जहाज से दिल्ली क्यों नहीं बुलाना चाहते? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि आरएसएस के लोग मणिपुर जाके राम भक्तों से मिलना नहीं चाहते, अपने विधायकों से, अपने मुख्यमंत्री से? वे सिर्फ दिल्ली में अपील करते रहते हैं, मणिपुर के बाहर अपील करते हैं, मोहन भागवत क्यों नहीं जाते? क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यह है कि इतना पकाओ इस झगड़े को, इतना पकाओ कि इसे विभाजन तक ले जाओ और मणिपुर को अलग कर दो, कुकीज के लिए अलग केंद्र शासित क्षेत्र बनाओ, माइटीज के लिए अलग बनाओ और अलग अलग कर दो। हम साफ कहना चाहते हैं कि यह विभाजन का खेल बहुत महंगा खेल है। लोग रीयूनाइट भी होते हैं नरेंद्र मोदी, आप नहीं रहेंगे लेकिन जनता तो रहेगी, राज्य रहेगा, राज्य की जनता रहेगी, राज्य की जनता यूनाइट होगी, जम्मू कश्मीर फिर यूनाइट होगा। आप जहां जहां विभाजन की कोशिश करेंगे वहां वहां आपके बाद फिर लोग रीयूनाइट होंगे। विभाजन ज्यादा दिन फलता फूलता नहीं है, ना सामाजिक विभाजन, ना बौद्धिक विभाजन, ना सांस्कृतिक विभाजन, वो बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है, कुछ दिन चलता है। नरेंद्र मोदी सचमुच में अगर शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं मणिपुर की समस्या का तो वे पहले मणिपुर जाए, मणिपुर में जाके विभिन्न दलों की, विभिन्न पार्टी के विधायकों की बाकायदा अलग अलग मीटिंग करें, मिले उनसे, अमित शाह को इसमें एंगेज करें। नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रियों के पास में कोई काम नहीं है, लेकिन एक राज्य जल रहा है, लेकिन वहां कोई जाने की किसी के पास फुर्सत नहीं है, वो जाते हैं सिर्फ गेस्ट हाउस में घूम के चले आते हैं।
नरेंद्र मोदी स्वयं जाएं, अमित शाह को भेजें और वहां एंगेज करें और जनता को आश्वासन दें, सुरक्षा का आश्वासन दें, जनता के जीवन में सुरक्षा सुनिश्चित करें। नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि उनके 10 साल की, वो जहां जहां गए हैं वहां उन्होंने असुरक्षा पैदा की है। वो जहां जहां गए वहां लोगों के जीवन में तनाव और टकराव और वायलेंस पैदा किया है। मणिपुर उसका साक्षात उदाहरण है। नरेंद्र मोदी अपना रवैया बदले। नरेंद्र मोदी का रवैया मुख में राम बगल में छुरी वाला है, नहीं, मुख में राम बगल में भी राम, चरणों में भी राम, आकाश में भी राम, नैनों में भी राम, सामने वक्तव्य में भी राम और आचरण में राम, तब तो ठीक है। खाली मुख में राम नहीं, नहीं, मुख में राम बोलने से, राम जी की सेवा करने से शांति आने वाली नहीं है। शांति के लिए अयोध्या नहीं, राम मंदिर नहीं, काशी नहीं, मथुरा नहीं, मणिपुर चलो। नरेंद्र मोदी अपने दिमाग से निकाल देंगे, वो दिल्ली में बैठ के मणिपुर का समाधान कर देंगे, मणिपुर के लोगों से मिले बिना वो समाधान कर देंगे। कम से कम पहले इनिशियल स्टेप के तौर पर जो दो सांसद आए हैं मणिपुर से चुनके, नरेंद्र मोदी को बुला के उनसे बात करनी चाहिए। उनके सांसदों की मांग है कि नरेंद्र मोदी अब तक जो उन्होंने किया है इसके लिए मणिपुर की जनता से माफी मांगे। नरेंद्र मोदी को बेहिचक जनता से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की इज्जत नहीं कम होगी इससे, बल्कि इज्जत बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जो भी गलती हुई है उन्हें ऑनेस्टली स्वीकार करें कि वहां क्या गलती हुई है। और ये कौन बताएगा, ये जो दो नए सांसद चुनके आए हैं, एक और चीज है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उनमें एक सांसद ऐसा भी है जिसका जेएनयू से संबंध, मेरा समकालीन है। तो ये भी कह सकते हैं कि मणिपुर ने जो दो सांसद भेजे हैं उसने जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो चंटू मंत्रों की जो थ्योरी थी टुकड़े टुकड़े गैंग की, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की थ्योरी को एकदम पीट दिया मणिपुर। नरेंद्र मोदी कम से कम पहले दिल्ली से ही शुरुआत करें और जो सांसद मणिपुर से चुनकर आए हैं उनसे उन्हें बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे जानने की कोशिश करें क्या हकीकत है। और दूसरी बात और आखिरी बात इस पूरे प्रसंग में, मणिपुर के सांसदों ने एक बात कही है संसद में, संसद में जो उन्होंने भाषण दिया है मणिपुर के सांसद में उसे गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने मांग किया है कि मणिपुर के सत्य को नरेंद्र मोदी अपने मुंह से बोले। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि सत्य उनकी जवान पर आता नहीं है। राम, हिंदू, कांग्रेस, करप्शन, ये जितनी जल्दी उनके मुंह पर आते हैं मणिपुर का सत्य उतनी जल्दी नहीं आता। मणिपुर का सत्य उनके आज तक उनकी जवान पर नहीं आया है। मणिपुर का सत्य उनकी जवान पर आना चाहिए, उन्हें मणिपुर का सच बोलना चाहिए और संसद में बोलना चाहिए। ये जो उन्होंने भाषण दिया है ये बोगस भाषण है, ये जो स्टेटमेंट दिया है बोगस स्टेटमेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं। मणिपुर के अब तक के हालात पर नरेंद्र मोदी एक व्हाइट पेपर लाएं और बताएं कि उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया, और जब राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो वहां के मुख्यमंत्री को अधिकारहीन क्यों बनाया। संविधान उन्हें अधिकार नहीं देता कि वो चुने हुए प्रतिनिधि को अधिकारहीन बनाए। तो नरेंद्र मोदी ने एक नया पैटर्न शुरू किया है कि इलेक्टेड प्रतिनिधि को अधिकारहीन बनाओ, मुख्यमंत्री को अधिकारहीन बनाओ और पड़ा रहने दो। ये कौन सा तरीका है? ये संविधान की रक्षा करने का तरीका है। ये तो इंदिरा गांधी से भी ज्यादा खतरनाक तरीका है। जिस इमरजेंसी को लेकर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा डंका बजा रहे थे, वो इमरजेंसी में भी मुख्यमंत्रियों की सत्ता इस तरह से खराब नहीं की गई जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अब घोषित लोकतंत्र में अपने ही मुख्यमंत्री को अधिकारहीन बना के खराब किया। शर्म आती है, शर्म आती है। आप नरेंद्र मोदी से हम साफ कहना चाहते हैं, शर्म आती है कि आप अपने हाथों से संविधान के जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे। मणिपुर उसका साक्षात प्रमाण है। मणिपुर का मुख्यमंत्री चाहे वो बीजेपी का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, उसकी एक संवैधानिक सत्ता है, उस सत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए। नहीं स्वीकार करते, आपको लगता है वो नाकारा है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए।
लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ, मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहेगा लेकिन उसको अधिकार नहीं होगा। नहीं, एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक और घटना हुई कि इलेक्शन के बाद में, अभी कुछ दिन पहले ही, वहां एक स्कीम की डिक्लेयर करने वाले थे मुख्यमंत्री, और उसके लिए आयोजन की डेट डिक्लेयर हो गई, सब तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया। वो स्कीम थी जिसमें कि 4-5 लाख लोगों तक वो स्कीम पहुंचनी थी। अब चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की पिटाई हो गई, अचानक वो प्रोग्राम जो जनता के लिए स्कीम का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया बिना बताए, 24 घंटे पहले। हालत यह कि अपने ही प्रोग्राम के डेट मुख्यमंत्री इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, दिल्ली से आदेश गया और वो प्रोग्राम की डेट कैंसिल कर दी गई, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। तो ये तो मणिपुर में सिर्फ मैती और कुकीज के बीच में ही झगड़ा नहीं हो रहा, बल्कि संविधान के साथ में भी खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो तो अपने ही पार्टी का मुख्यमंत्री और उसकी सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति से उठ के काम करो, सबसे पहले अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री का सम्मान करो, अपने पार्टी के विधायकों का सम्मान करो। नरेंद्र मोदी की पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछले एक साल से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मिलने के लिए अपने विधायकों को समय नहीं दिया। वो जनता के कितने प्यारे और रखवाले हैं मणिपुर के, इसका इससे पता चलता है। आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कल जो राज्यसभा में बोला है वो एकदम झूठ बोला है। नरेंद्र मोदी मणिपुर में शांति नहीं चाहते। अगर वो शांति चाहते तो वे तत्काल मणिपुर जाते, अभी भी समय नहीं है। वो मणिपुर जाएं, जनता के विभिन्न तबकों से बात करें, विभिन्न समुदायों से और विभिन्न विधायकों से और सांसदों से बात करें और समाधान खोजें। फिलहाल इतना। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।